finishes off in style. हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम क्रिकेट के स्कैम वाली पूरी कहानी सीरीज लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। इसी सीरीज की पहली किस्त हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज की फिक्सिंग की कहानी है टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन की। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन अजहरुद्दीन का ही वह सबसे पहला और चर्चित चेहरा है जो क्रिकेट फिक्सिंग की दुनिया में अभी तक धूमिल नहीं हुआ है। किस तरह से अजहरुद्दीन ने फिक्सिंग को अंजाम दिया, कौन कौन थे उनके साथी इसमें शामिल और कैसे से भंडाफोड़ हुआ था इस पूरे घटना का, यही सब देखेंगे हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसा आगाज अजहर का हुआ वैसा किसी बल्लेबाज का ना उनके पहले हुआ ना उनके बाद हो पाया। साल 1984 का दिसंबर का महीना था, इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी। 21 साल के अजहर ने अपने शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में ही शतक की तिकड़ी लगाकर बता दिया था कि वह कुछ बड़ा करने आया है। साल 1984 से टीम इंडिया के लिए खेलने वाले अजहर को साल 1990 में टीम इंडिया का कप्तान बना दिया गया। जब साल 1991 में अजहर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया तब सारे देश ने इस खुशी को मनाया था। यह वो दौर था जब उनकी लोकप्रियता तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर से भी ऊपर चली गई थी। वे और उनका खेल दोनों परवान चढ़ते गए। इस तरह की बुलंदी एक तो गिने चुने लोगों को ही नसीब होती है, उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे इन बुलंदियों को संभालना नहीं आता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। 1996 के विश्व कप के बाद से अजहर जैसा सितारा अपनी चमक खोने लगा था। बोलने वाले बोलते हैं कि कामयाबी उनके सर पर चढ़कर बोलने लगी थी। 1996 विश्व कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका के साथ ईडन गार्डन में दर्शकों द्वारा किया गया उपद्रव इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और इसका ठिकरा अजहर के सर फोड़ा गया क्योंकि उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। विनोद कांबली ने भी इस पर मुखर होते हुए बोला भी था। 3 विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने वाले और एक दौर में टीम को 90 जीत दिलाने वाले वह सबसे सफल भारतीय वनडे कप्तान कहलाते थे, लेकिन 5 दिसंबर 2000 की तारीख ने अजहर के लिए सब कुछ बदल दिया। महानता का आयाम गढ़ सकने वाला एक खिलाड़ी देश का गद्दार घोषित कर दिया गया, उसे मैच फिक्सिंग का दोषी करार दिया गया था। 7 अप्रैल साल 2000 को दिल्ली पुलिस ने उस समय के दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हेनसी क्रोने पर भारत के खिलाफ वनडे मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। पुलिस ने हेनसी क्रोने और सट्टेबाज संजय चावला के टेप भी जारी किए। इसमें कथित तौर पर डील को अंतिम रूप देने के बारे में बातचीत की रिकॉर्ड थी। उस समय हेनसी क्रोने ने मैच फिक्सिंग के आरोप से इनकार कर दिया था। इस झमेले में हर्षल गिब्स, पीटर स्ट्राइडम और निकी बॉय जैसे अफ्रीकी खिलाड़ी के नाम भी सामने आए थे। यहाँ तक क्रिकेट के दुनिया में हुए अब तक के सबसे बड़े स्कैंडल के खुलासे की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसकी आंच अभी तक भारत में नहीं आई थी। लेकिन हेनसी क्रोने का बयान भी अभी आना बाकी ही था। हेनसी क्रोने ने अपना बयान दिया। 15 जून साल 2000 को हेनसी क्रोने ने अजहरुद्दीन पर साल 1996 में एक टेस्ट मैच फिक्स करने के लिए सट्टेबाज से मिलवाने का आरोप लगाया। यह खबर जब अजहर तक पहुंची तब उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया और उन्हें कोरी बकवास और एक पब्लिसिटी स्टंट बताया, लेकिन ये सभी बातें हवा में तो होती नहीं है। हेनसी क्रोने ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के सामने फिक्सिंग की बात कबूल कर ली थी। उन्होंने कहा था कि भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान अपनी टीम के बारे में जानकारी देने के लिए उसे 10,000 से 15,000 अमेरिकन डॉलर मिलते थे। हेनसी क्रोने को अपने इकबालिया बयान के तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड से कप्तान के पद से बर्खास्त कर दिया गया और इसके बाद 11 अक्टूबर साल 2000 को जीवन भर के लिए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया। हेनसी के साथ ही 28 अगस्त साल 2000 को अफ्रीकी खिलाड़ी हर्षल गिब्स और हेनरी विलियम्स को 4 महीने के लिए बैन किया गया था। वहीं पीटर स्ट्राइडम के ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुए और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में इतना सब होने के बाद इंडिया में कुछ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हेनसी ने उस समय के स्टार इंडियन प्लेयर और कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा दिया था। इस बात
बात का असर दिखा और 20 जुलाई साल 2000 में इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने भारतीय टीम के टॉप 4 क्रिकेटरों मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, नयन मोंगिया और निखिल चोपड़ा के घरों पर छापा मारा। इस छापे के जद में भारतीय कोच कपिल देव का घर भी आ गया था। अजहर स्टार था, उनके ऊपर दबाव भी काफ़ी बनाया जाने लगा। बात देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल की थी जिसे भद्रजनों का खेल कहा जाता है। पिछले 15 साल से देश का स्टार बनकर रहने वाला अजहर टूट गया और 31 अक्टूबर साल 2000 को CBI रिपोर्ट में कहा गया कि अजहर ने मैच फिक्सिंग में शामिल होने की बात एक्सेप्ट कर ली है। रिपोर्ट में अजहर का अपने साथी खिलाड़ियों अजय जडेजा और नयन मोंगिया से भी मदद लेने की बात कही गई। इसके बाद 27 नवंबर साल 2000 को BCCI के एंटी करप्शन कमिश्नर के माधवन ने अजहर को दोषी पाया। साथ ही में अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा और उस समय के भारतीय टीम के फिजियो अली ईरानी को भी सट्टेबाजों के साथ गठजोड़ का दोषी पाया गया। इस पूरे मामले में नयन मोंगिया और कपिल देव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और दोनों बाइज्जत बरी हुए। गलती साबित हो चुकी थी, अब बारी थी सजा की। 5 दिसंबर साल 2000 को अजय शर्मा के साथ मिलकर अजहर को मैच फिक्सिंग में उनकी भूमिका पर जीवन भर के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया। साथ ही अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अली ईरानी को 5 साल का बैन झेलना पड़ा। हालांकि फिर बाद में अजहर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सालों के बाद 6 नवंबर 2012 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से अजहर पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आप चाहकर भी नहीं सोचना चाहते हैं। साल 2000 में CBI के सामने अपनी गलती खुद कबूलने वाले अजहर ने आखिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ही क्यों? और जब कोर्ट का फैसला आ गया तब अजहर ने यह क्यों कहा कि मैं आज के फैसले से बहुत खुश हूं और मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, यह सब छोड़ आगे बढ़ना है, यह सब किस्मत का लिखा है। यह भी एक दिलचस्प फैक्ट ही है कि अजहर का बेस्ट स्कोर 199 और टेस्ट मैचों की संख्या 99 ही रह गया। एक गलत शॉट और एक गलत फैसले की कीमत क्या होती है, इसे अजहर से बेहतर भला कौन ही जानता होगा। जाते जाते यह किस्सा भी सुनते जाइए। इन सब घटनाओं के बाद 1 जून 2002 को हेंसी क्रोन ए फ्लाइट में अकेले बैठकर जोहान्सबर्ग से जॉर्ज जा रहे थे, साथ में 2 पायलट भी थे। उसी समय जॉर्ज के पहाड़ियों पर यह प्लेन क्रैश कर गई और 2 पायलटों के साथ सिर्फ 32 साल के हेंसी क्रोन ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उनके मौत के बाद कहा जाने लगा कि क्रिकेट फिक्सिंग सिंडिकेट ने उनको मरवा दिया है, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया और यह राज भी उनके साथ ही चला गया। तो यही थी पूरी कहानी इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग की, जिसने अजहरुद्दीन जैसे सितारे को बर्बाद कर दिया। आगे हम और भी ऐसे ही फिक्सिंग सीरीज की वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ को देखने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोर क्रिकेट का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप ऐप के सर्च में जाकर बेजोर क्रिकेट टाइप कीजिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दें, आप हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।